गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानव अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास के प्रकार, और उससे आगे बात करें अपन, अपने क्या पढ़ा था, ग्रामीण अधिवास के प्रकार, ग्रामीण अधिवास के प्रकार। तो यहां एक क्वेश्चन बनता था कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, वह अधिवास जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, लकड़ी काटना, इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं, और जो प्राथमिक व्यवसाय में जो संलग्न होते हैं वो व्यक्ति ग्रामीण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो मानव अधिवास किसे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित संगठित आवासों के समूह को क्या कहते हैं, मानव अधिवास। और मानव अधिवास के अंतर्गत अपने पढ़ा था उत्पत्ति के बारे में, तो उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। कार्य और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर हमने अधिवासों के दो प्रकार पढ़ा था, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो अपन बात करते हैं ग्रामीण अधिवास की, नगरीय अधिवास आगे पढ़ेंगे। और ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत हमने इनके प्रकार पढ़े थे पिछले वीडियो में, चार प्रकार पढ़े थे। उसके अंतर्गत हमने दो अधिवासों को पढ़ लिया था, कौन कौन से अधिवास, पहला हमने पढ़ा था सघन या गुंसित अधिवास, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था परकिरण एकाकी अधिवास, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे वो है मिश्रित अधिवास। विद्यार्थियों, मिश्रित अधिवास है वो सघन अधिवास और परकिरण अधिवास के बीच की अवस्था है। सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास के बीच की, जैसा कि मैं बताऊं आपको, यह किस प्रकार का अधिवास है, सघन, ये सघन अधिवास है, और परिकीर्ण सघन और परिकीर्ण होता है वो विद्यार्थियों, जैसा कि ये अपना खेत है कोई, घर किसी ने यहां बना लिया, किसी ने यहां बना लिया, इस व्यक्ति ने यहां बना लिया, इस व्यक्ति ने यहां बना लिया, इस व्यक्ति ने यहां बना लिया, इसने यहां बना लिया, इसने यहां बना लिया, इसने यहां बना लिया, इसने यहां बना लिया। तो मान लीजिए इस प्रकार के अधिवास है वो कैसे हो जाएंगे विद्यार्थियों, परकिरण अधिवास। इन दोनों के बीच की अवस्था, जैसा कि ये अधिवास अब दूर दूर कोई घर है, इस प्रकार का कोई अधिवास है जिसे अपन क्या कहेंगे, मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास, मिश्रित अधिवास, जो क्या होता है, संगन और गुंसित अधिवासों और परकिरण एकांकी अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। तो इसमें लिखते हैं एक नंबर बिंदु में, यह अधिवास सघन अधिवास और परकिरण अधिवास के बीच की
अवस्था होती है। किसकी? बीस की। सघन अधिवास और ग्रामीण अधिवास के बीस की अवस्था होती है। एक बात तो ये रखनी है। दूसरी बात, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती? जनसंख्या बढ़ने के कारण होती है। सामान्यतः किसी परिवार में जनसंख्या बढ़ने से इस अधिवास की उत्पत्ति होती है। तो लिखे, सामान्यतः किसी परिवार में जनसंख्या बढ़ने पर इस अधिवास की उत्पत्ति होती है। यानी कि इस सघन अधिवास में जनसंख्या बढ़ जाती है तो इस प्रकार से उत्पत्ति हो जाती है मिश्रित अधिवास की। सामान्यतः किसी परिवार में जनसंख्या बढ़ने से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति जो इसकी उत्पत्ति इसके अंदर लिख सकते हैं, इसकी उत्पत्ति पर्यावरणीय कारणों से न होकर पारिवारिक कारणों से होती है। किन कारणों से होती है? पारिवारिक कारणों से उत्पत्ति है। किस अधिवास की उत्पत्ति पारिवारिक कारणों से होती है? परिवार कारण मतलब जनसंख्या वृद्धि। किसकी होती है? मिश्रित अधिवास की। किसकी उत्पत्ति होती है विद्यार्थियों? मिश्रित अधिवास की, है ना। तो इन अधिवासों को इन अधिवासों को अर्ध सघन, नहीं तो सघन में न प्रकीर्ण में है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? अर्ध संघन, या फिर कह सकते हैं अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। इस प्रकार हमने अधिवासों के बारे में पढ़ा, मिश्रित अधिवास के बारे में, कि अधिवास संघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास के बीस की अवस्था होती है। और इसकी बात करें, ये सामान्यतः किसी परिवार में जनसंख्या बढ़ने से इस अधिवास की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति के पर्यावरण कारण उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए पारिवारिक कारण उत्तरदायी है। और ऐसा उदाहरण आपको कहां मिलेगा? कोटा जिले में एक तहसील है, सांगोद। किस जिले का है? कोटा जिला। तहसील सांगोद तहसील के अंतर्गत एक गांव है, कौन सा है? खुर्द गांव में। उदाहरण याद रखना है, तहसील का कौन सा गांव है? खुर्द गांव। कौन सा गांव विद्यार्थियों? खुर्द गांव। खुर्द गांव के अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखना। उदाहरण याद रखना है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन विद्यार्थियों कि कोटा जिले के सांगोद तहसील में खुर्द गांव में किस प्रकार का अधिवास है? तो आपको जवाब क्या देना है विद्यार्थियों? मिश्रित अधिवास। किस प्रकार का अधिवास? मिश्रित अधिवास, है ना। किस प्रकार का अधिवास है? मिश्रित अधिवास। अब बात करें सोते अधिवास के अंतर्गत पल्ली या पुरवा या नगला अधिवास। विद्यार्थियों ध्यान रखना, अधिवासों की सबसे छोटा अधिवास है, जिसे पल्ली कहते हैं, पुरवा कहते हैं, नगला कहते हैं। अधिवासों का सबसे छोटा रूप कौन सा है? पल्ली। और अधिवासों का सबसे बड़ा कौन सा रूप है?
वृहत नगर, विश्व नगरी कह सकते हैं इसको, विश्व नगरी, मेगालोपोलिस इंग्लिश शब्द है, मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस एक ही बात है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ा आदिवास कौन सा है? बृहत नगर। और सबसे छोटा आदिवास कौन सा है? सबसे छोटा आदिवास कौन सा है विद्यार्थियों? सबसे छोटा आदिवास पुरवा कह सकते हैं, नगला कह सकते हैं, पल्ली, सबसे छोटा आदिवास है। ये कहां विकसित होते हैं विद्यार्थियों? ये खेतों में जाने के बाद दूर दूर चले जाते हैं, फिर क्या होता कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 कहानियां बन जाती, लगभग 10। यहां पर कह सकते हजारों, हजारों नहीं तो 500, 300, 400 घर हो सकते हैं ये, ठीक है, ये 1500 के आसपास हो सकता है घर, कोई 20 का घर, 600-700 को भी, लेकिन ये 10 या बाहर अधिकतम घर, जिससे पल्ली या पुरवा कहते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में यहां पुराना लिखता है, पुराना नहीं है, पुरवा है। एक मतलब सिंपल भाषा में कहे तो कॉलोनी, इस प्रकार पुरवा कॉलोनी में भी काफी खा पी घर हो जाते हैं, मतलब छोटा सा एक घरों का समूह जुम, उसे क्या कहेंगे? पल्ली या नगला या पुरवा। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, जब कोई आदिवास भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग होकर अनेक इकाइयों में बढ़ जाता है, जब कोई आदिवास भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग होकर जब कोई आदिवास भौतिक रूप से अलग होकर अलग 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 इकाइयों में बंट जाता है, मतलब क्या है कि पहले कोई प्रकरण या एकांक अधिवास रहा होगा, और उसके बाद में क्या होता है कि ये अधिवास भौतिक रूप से अलग अलग इकाइयों में बंट जाता है, जिनका एक ही नाम होता है और जिनका जिनका एक ही नाम होता है उसे क्या कहते हैं? पल्ली या पुरवा या नगला भी कह सकते हैं, जिनका नाम एक ही होता है उसे पल्ली या पुरवा कहते हैं, उसे पल्ली या पुरवा कहते हैं। अलग अलग इकाई में, मतलब जैसे एक ही परिवार रहता था एक गांव के अंदर, और धीरे धीरे उनके एक ही परिवार के अंदर छोटे छोटे समूह हो गए, और वो फिर दूर जाकर के अपने भाई है, 5-6 भाई साथ में रहने लग गए, और दूसरे भाई के ताऊ जी के वो थे, वो दादाजी के वो भाई 4-5 साथ में रहने लग गए, तो उन्होंने घर पास पास में बना लिया, वो दूर जाकर उन्होंने घर पास पास में बना लिया, तो एक ही नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो घरों का समूह होता है, आवासों का समूह होता है, वो अधिवास होते हैं, उन्हें पल्ली या पुरवा या नगला कहते हैं। समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों? तो इस प्रकार अपना आगे बात करें तो ये क्षेत्र कहां पाया जाता है? तो ऐसे क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश की निचली घाटियों में, पर्वतीय प्रदेश के निचली घाटियों में, खनन क्षेत्रों में इस प्रकार के पल्ली या पुरवा आपको मिल जाता है। इस प्रकार हमने बात की इनके आदिवासियों के बारे में, ग्रामीण आदिवासियों के बारे में, सघन आदिवास, गुंचित आदिवास के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, प्रकीर्ण एकांक आदिवास पिछले वीडियो में, दोनों अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा है मिश्रित अधिवास, जो कि ये अधिवास सघन अधिवास और प्रकीर्ण अधिवास के बीच की अवस्था होती है।
सामान्यतः किसी परिवार में जनसंख्या बढ़ने पर इस अधिवास की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति पर्यावरणीय कारणों से न होकर के पारिवारिक कारणों से होती है, सामाजिक कारण से कह सकते हैं, सामाजिक कारणों से होती है। इन अधिवासों को अर्ध सघन अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। और ये आप उदाहरण देखना है तो सांगोद तहसील के अंदर खुर्द गांव में, सांगोद कोटा के अंदर आया है, कोटा जिला राजस्थान का है, तो वहां पर आपको देखा जा सकता है। पल्ली या पुरवा, ये जब कोई अधिवास भौतिक रूप से अलग होकर कई इकाइयों में बढ़ जाता है फिर वो एक ही नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं उसे पल्ली या पुरवा या नगला अधिवास कहते हैं। ये आपको उदाहरण देखना है, इनका वितरण देखना है। तो प्रदेश पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में खनन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं नगरीय अधिवास की। नगरीय अधिवास में विद्यार्थियों कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। तो आगे अपन बात करते हैं इसी के साथ में नगरीय अधिवास की। किसकी बात करें विद्यार्थियों? नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास भी आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? ऐसे अधिवास जिनमें कार्यरत लोग या संलग्न लोग धरती या तरती व्यवसाय में संलग्न होते हैं, ऐसे अधिवास जिनमें निवास करने वाले लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों से संबंधित होते हैं, ऐसे अधिवास को नगरीय अधिवास कहते हैं। ये परिभाषा अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं नगरीय अधिवास के प्रकार। नगरीय अधिवास के प्रकार, किसके प्रकार विद्यार्थियों? नगरीय अधिवास के। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कितने प्रकार? चार प्रकार विद्यार्थियों। कितने प्रकार पढ़ते हैं विद्यार्थियों? चार प्रकार। एक नंबर अपन पढ़ते हैं नगर, दो नंबर में पढ़ते हैं महानगर, तीन नंबर में पढ़ते हैं सन्नगर, और चार में पढ़ते हैं बृहत नगर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है नगरीय अधिवासों के प्रकार बताइए। तो नगर, महानगर, सन्नगर और बृहत नगर विद्यार्थियों। तो नगर विद्यार्थियों, नगरों के बारे में बात करें तो नगर आकार के आधार पर, ये किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। जनसंख्या आकार क्या है? जनसंख्या के आकार पर है। तो नगर की जो जनसंख्या होती है वो 1,00,000 से अधिक जनसंख्या, 1,00,000 से अधिक किंतु 10,00,000 से कम होती है। नगर में जनसंख्या 1,00,000 से अधिक किंतु 10,00,000 से कम होती है। 50% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। महानगर में क्या होता है विद्यार्थियों? महानगर में जनसंख्या 10,00,000 से अधिक किंतु 50,00,000 से कम, 50,00,000 से कम होती है, ऐसे को क्या कहते हैं?
महानगर, कम होती है उसे महानगर कहते हैं, महानगर कहते हैं, है ना विद्यार्थियों। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक किंतु 50 लाख से कम होती उसे क्या कहेंगे, महानगर। सन्नगर, सन्नगर के अंतर्गत अपन बात करें, सन्नगर, सन्नगर में क्या होता है, एक बड़ा शहर, बड़ा नगर और उसके साथ में एक छोटा नगर जुड़ जाता है तो उसे अपन सन्नगर कहते हैं, बड़ा शहर। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझें, दिल्ली के साथ में नोएडा जुड़ना, उत्तर प्रदेश का नोएडा दिल्ली के साथ में जुड़ गया है, कोलकाता के साथ में हावड़ा, दिल्ली के साथ में गुड़गांव, इस ऐसे नगरों को सन्नगर कहते हैं। तो अपन बात करें सन्नगर के बारे में, तो बड़े नगरों, विशाल और विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगर होते हैं और वो आपस में मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सन्नगर। ये विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं जिसमें एक बड़ा नगर, एक बड़ा नगर वो दूसरा छोटा नगर मिलकर सन्नगर, एक विशाल नगरी क्षेत्र होते हैं जिनके जिसमें जिनमें एक बड़ा नगर और एक छोटा दूसरा छोटा नगर मिलकर सन्नगर कहलाता है। एक विशाल नगरी क्षेत्र और उसके साथ में एक छोटा नगर मिल जाता है तो क्या कहलाता है, सन्नगर कहलाता है। जैसे अपन बात करें उदाहरण के तौर पर, तो उदाहरण सभी के देख लेते हैं, तो इनके उदाहरण की बात करें तो कौन सा होगा, बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर क्या एक नगर है। इधर बात करें तो जैसे जोधपुर है, कोटा है, इनको अपन क्या कहेंगे, नगर कहेंगे। कौन कौन से, जैसे अपन बात करें जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन नगरों को। उदाहरण की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि, ये प्रशासनिक शैक्षणिक औद्योगिक केंद्र बिंदु होते हैं। कोटा को तो शैक्षणिक नगरी कहते हैं। सन्नगर का उदाहरण देखा जाए, सन्नगर का उदाहरण तो दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, हावड़ा, इस प्रकार के जो नगर होते हैं वो क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों, सन्नगर, जो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लंदन, टोक्यो, शिकागो की बात करें और उदाहरण के अंदर, लंदन, शिकागो, टोक्यो, ठीक है ना, इस प्रकार के शहर जो क्या है, एक प्रकार के सन्नगर है। और महानगर को क्या कहते हैं विद्यार्थी, मेट्रो सिटी भी कहते हैं, मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी किसे कहते हैं विद्यार्थियों, महानगर को।
मेट्रो सिटी। इस प्रकार हमने बात की नगर के बारे में, तो नगर होता है इसमें 50% गैर कृषि कार्य काम किया जाता है, जैसे भारत में राजस्थान बीकानेर नगर, इसको मेट्रोपोलिस भी कहते हैं। चलो उसको बाद में पढ़ते हैं। महानगर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्या होते हैं, महानगर होते हैं। ये जो होते हैं महानगर, ये औद्योगिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक का केंद्र होते हैं। इन्हीं इस प्रकार के ही होते हैं, इसलिए तो महानगर तो बनते हैं ना, औद्योगिक प्रशासनिक, जैसे जयपुर है प्रशासनिक नगर है, कोटा है शैक्षणिक नगर मान लें, और ये भी शैक्षणिक ही नगर है। इस प्रकार के नगर होते हैं वो महानगर कहलाते हैं, सर नगर जो जुड़वे होते हैं इस प्रकार के। अब बात करें सर नगर के अंदर कर, तो सर नगर शब्द किसने दिया, तो ये विस्तार से सर नगर शब्द है, इसको कंजर्वेशन भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। कन्नर बेसन, कन्नर का अर्थ होता क्षेत्र, बेसन होता है नगरीय क्षेत्र, जो दो नगरीय क्षेत्र विस्तार लिए हुए, कन्नर बेसन, कन्नर बेसन याद रखना। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था और कब किया था, तो 1915 में किया था। इस शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 1915 में किसने किया था विद्यार्थियों, 1915 में सन नगर शब्द का प्रयोग। सन नगर शब्द का प्रयोग, हाँ विद्यार्थी, सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था, 1915 में किया था, कब किया था यहां लिख देते हैं, 1915 ईस्वी में, पैट्रिक गिडीज ने, कब किया था पैट्रिक गिडीज ने 1915 में सन नगर कंजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया था, कंजर्वेशन। अब बात करते हैं बृहत नगर की, किसकी बात करते हैं, बृहत नगर। बृहत नगर में, बृहत नगर, नगर में 50 लाख जनसंख्या, 50 लाख से अधिक जनसंख्या क्या निवास करती है, करती है बृहत नगर में। इसे विश्व नगरी कहते हैं, मेगालोपोलिस भी कहते हैं। इसमें क्या है, अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से क्या होती है, अधिक होती है, इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। इसमें जनसंख्या कितनी होती है, 50 लाख, इनको विश्व नगरी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस शब्द है। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, विश्व नगर, विश्व नगर, मेगालोपोलिस। इसे क्या कहते हैं, मेगालोपोलिस, यानी कि विश्व नगर। मेगालोपोलिस जिसे विश्व नगर कहते हैं। मेगालोपोलिस का प्रयोग कब किया गया था, 1957 में, कब किया गया विद्यार्थियों, 1957 ईस्वी में। आपकी पाठ्य पुस्तक में 1857 लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गया विद्यार्थियों, ध्यान रखना क्या है, 1957
57 ईस्वी में किसने प्रयोग किया था विद्यार्थियों? हाँ ध्यान रखना 1857 नहीं है, 1957 है, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया है। जीन गोटमैन ने किया था। किसने किया था? जीन गोटमैन ने। जीन गोटमैन ने, जीन गोटमैन ने किसका प्रयोग किया था? मेगालोपोलिस। किसका प्रयोग किया था? मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? विश्व नगर। कब किया था? 1957 में, 1857 नहीं है। ठीक है ना विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने बात की है नगरीय दिवासों के प्रकार के अंतर्गत कि कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके अंदर बात करें तो ये बात करें कौन कौन से नगर है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण इसके देखा जाए, हाँ तो उदाहरण देखा जाए तो कौन कौन से हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, शिकागो, टोक्यो, ग्रेट लंदन, इस प्रकार के जो है वो बृहत नगर के अंतर्गत आता है। और भी उदाहरण है, जैसे पेरिस है, न्यूयॉर्क है, बीजिंग है, मास्को है, इस प्रकार के भी उदाहरण हैं, चेन्नई है, जो बृहत नगर है। इस प्रकार हमने बात की विद्यार्थियों नगरीय अधिवासों के प्रकार के बारे में। कल अपन बात करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, किसके अंतर्गत बात करेंगे अपन? ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप के बारे में, ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप। और आज ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार भी पढ़ा, नगरीय अधिवासियों के भी प्रकार पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप, वो 12 से 15 के बीच से। थैंक यू विद्यार्थियों।